Hello everyone, welcome back to our channel College Tutor. I hope you have already watched all our income tax videos. If you haven't watched all the classes, please go through those classes first. We have already started income under the head of salary. Now in this video, this is the second video under the head salary. If you're planning to go for MBA entrance exam, you can download the GradeUp app. They're offering you various courses and they're also offering you various discount. You can test your knowledge with their test series. You can get great faculty there, enroll the courses and start studying. They're offering you various discount already, but to get an additional 5% discount, you can use our code COLLEGE60. You can download the app from the link in the description and you can go to Play Store as well. Don't forget to use this code to get additional 5% discount. Start learning, enroll now. In this video, we're starting up with perquisites. What perquisite means? Basically, a benefits. Those benefits that an employee gets from his employer. कोई भी benefits जब अपना एक employer अपने employee को provide करता है, in addition with its salary. यानी कि salary तो दी ही जाती है, लेकिन कुछ benefits दिए जाते हैं, जैसे कि घर दिया जाता है रहने के लिए, कोई furniture दिया जाता है, कोई भी बहुत सारी चीजें अब हम इस video में पढ़ेंगे कि क्या-क्या चीजें एक employee को मिलती हैं. यहाँ पर ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का. अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब कि जो हमारे परक्विजिट हैं वो आएंगे इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. तो यानी कि सैलरी हेड में आने के लिए ये एक महत्वपूर्ण बात है कि दो लोगों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए. हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट होता है कि एक रिलेशनशिप होना चाहिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का. यहाँ पर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होगा तो जैसे मैंने बोला कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमारी परक्विजिट चले जाएंगे, यानी कि इसे परक्विजिट वैल्यू जो चली जाएगी वो IUS में चली जाएगी. अब हम जानते हैं परक्विजिट होता क्या है. तो परक्विजिट में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, सिर्फ यही नहीं जो हम आज पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें यहाँ पर समझनी है वो कौन कौन सी हैं. यहाँ पर हमें जो सबसे पहले देखनी है वो है हमारे पास रेंट फ्री एकोमोडेशन, यानी कि कुछ ऐसा कोई घर जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है रहने के लिए. इसके बारे में ये क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एक क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं. ये सारे ही जो टॉपिक्स हम आज पढ़ रहे हैं ये हम ऊपर ऊपर से यानी कि जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो समझ रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारे हर एक पॉइंट की होगी, क्योंकि ये एक बहुत लंबा एक बहुत ही अच्छा हेड है. तो यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग कवर करते हुए चलेंगे. दूसरी चीज़ क्या है, द वैल्यू ऑफ एनी कंसेशन इन द मैटर ऑफ रेंट रिस्पेक्टिंग एनी एकोमोडेशन. वही बात, अगर कोई एकोमोडेशन है उसके रिस्पेक्ट में कोई भी रेंट दिया जा रहा है तो वो भी हम देखते हुए चलेंगे. द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और amenities, यानी कि कोई भी चीज़ दी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉई, तो यहाँ पर हम वो सारी चीज़ें भी कवर करेंगे. अब यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. क्या लिखा है, एनी वन हु फुलफिल एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉल्ड अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. अब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होते हैं, वो लोग होते हैं जो ये सारी कंडीशन को कम्प्लीट करते होंगे. लेकिन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का टॉपिक आएगा कब, क्यों हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉय जान रहे हैं, क्या फ़र्क है बाकी एम्प्लॉयज़ और स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ में, तो ये हम देखेंगे थोड़ी सी देर में. और भी क्या चीज़ें परक्विजिट में इंक्लूड होती हैं, वैल्यू ऑफ एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर्स. आई होप यू नो व्हाट स्वेट इक्विटी शेयर मीन्स. आपने बैंकिंग या फाइनेंस में ये ज़रूर पढ़ा होगा कि क्या होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स. अगर मैं आपको ईजी लैंग्वेज में बताऊँ तो खून पसीने की जो कमाई होती है ना एक एम्प्लॉय की, वो होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स. क्योंकि जब एम्प्लॉई बहुत ज़्यादा अपना काम करता है, अपनी पूरी मेहनत डालता है, जब हम कहते हैं कि हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करनी है, तो हम क्या बोलते हैं कि एक एम्प्लॉई का बहुत ज़्यादा हाथ होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने में. तो एम्प्लॉयर क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉई को कोई शेयर्स डिस्काउंट पर इशू कर देते हैं, यानी कि मार्केट प्राइस से कम में इशू कर देते हैं, उनको हम स्वेट इक्विटी शेयर्स बोलते हैं. ठीक है, तो वो भी हमारे परक्विजिट ही माने जाते हैं. और बहुत सारे अदर फ्रेंच बेनिफिट्स कुछ एमेंटिटीज़ को हम आगे पढ़ते हुए चलेंगे. अब यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हम जो परक्विजिट करते हैं वो कौन सी कैटेगरीज़ में बांटे गए हैं, यानी कि कौन से ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको फुली टैक्सेबल होंगे ये परक्विजिट, कौन से ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनको टैक्स फ्री होंगे. तो ध्यान देंगे कि यहाँ पर तीन कैटेगरीज़ हमने बनाई हुई हैं.
पहली कैटेगरी वो है जहाँ पर हर एम्प्लॉय के लिए वो परक्विजिट टैक्सेबल है। दूसरी कैटेगरी वो है कि जहाँ पर टैक्सेबल तो है लेकिन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए। अब समझ आ रहा है कि हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि क्यों हम ऐसे कुछ परक्विजिट्स होते हैं जो कि सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के केस में टैक्सेबल होंगे, और कुछ ऐसे टैक्स फ्री परक्विजिट जो सारे ही एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्स फ्री। ठीक है, तो टैक्सेबल, टैक्स फ्री और कुछ ऐसे टैक्सेबल जो कि सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए होते हैं। अब स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं यहाँ पर हम समझते हैं। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ वो एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनका कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है, यानी कि वो कंपनी के एटलीस्ट 20% ऑफ शेयर्स के एक्वायर उन्होंने किया होता है, 20% और मोर हम कह सकते हैं, तो उनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाता है कंपनी में, वो वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं। और वो एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी, हो सकता है कि वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ना रखते हो, सकता है वो एक्वायर नहीं करते हों 20% या उससे ज़्यादा शेयर्स, लेकिन उनकी सैलरी अगर देखी जाए तो एक्सीड करती है 50,000, 50,000 से एक्सीड करती है। तो आइए इसे हम अच्छी लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। कौन होते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़? बाय अ कंपनी टू एन एम्प्लॉय हु इज़ अ डायरेक्टर देयर ऑफ, डायरेक्टर हैं वो। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला पॉइंट, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कब होगा? जब एटलीस्ट 20% और मोर इक्विटी शेयर उन्होंने एक्वायर किए होंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन है या तो वो डायरेक्टर हैं या वो 20% और मोर की इक्विटी शेयर्स को एक्वायर किया हुआ है, यानी कि उनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। और तीसरी बात क्या कह रहा है कि हो सकता है कि वो ए और बी दोनों में नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी उनको हम इनकी इनकम को हम अंडर द हेड ऑफ सैलरी में परक्विजिट मान रहे हैं। तो वो कौन हुए? वो मतलब स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ मान रहे हैं। तो वो कौन हुए? जिनकी मॉनेटरी सैलरी एक्सीड कर रही है 50,000 से। ठीक है, यानी कि सिर्फ अंडर द हेड ऑफ सैलरी, अभी हम बाकी नहीं बात कर रहे, अंडर द हेड ऑफ सैलरीज उनकी जो इनकम हो रही है वो 50,000 से ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर जो हमारी पहली कैटेगरी है जिसमें टैक्सेबल है फॉर ऑल द एम्प्लॉयज, यानी कि जो जर्नल परक्विजिट होते हैं हर एम्प्लॉय के लिए ये टैक्सेबल होंगे। पहले आता है RFA यानी कि रेंट फ्री एकोमोडेशन, फिर कंसेशनल रेट, क्योंकि कई ऐसे हाउस होते हैं जो रेंट फ्री एकोमोडेशन हो रहा है, कई किस पे हम कुछ कंसेशनल लेते हैं, कुछ कंसेशनल रेट्स होते हैं। पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज ऑब्लिगेशन बाय द एम्प्लॉयर, दैट मीन्स कि हो सकता है ऐसी कोई एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन होगी, जैसे कि अगर एम्प्लॉय के घर में कुछ एक टीवी है, ठीक है, एक टीवी वो खरीद रहे हैं, तो हो सकता है वो टीवी की जो पेमेंट है वो किसने करी है, वो पेमेंट करी है एम्प्लॉयर ने। अब लेकिन ऑब्लिगेशन किसकी बनती थी? एम्प्लॉय की, तो वो भी टैक्सेबल होगा उसके ही हेड में, क्योंकि वो उनकी ऑब्लिगेशन थी, लेकिन वो कवर किसने की, पूरी किसने की? एम्प्लॉयर ने। पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज लाइफ इंश्योरेंस एंड एनुअटी प्रीमियम, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि एनुअटी का मतलब क्या होता है। सो लाइफ इंश्योरेंस एंड एनुअटी प्रीमियम जो है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय का पेमेंट करा है एम्प्लॉयर ने, तो वो भी टैक्सेबल होगा। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर लॉटेड और ट्रांसफर टू एन एम्प्लॉय, तो ये हम पहले ही पॉइंट पढ़ चुके हैं, तो ये भी फुली टैक्सेबल होता है इन द केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। ठीक है, एनुअटी क्या होता है इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, आपको बैंकिंग और फाइनेंस में भी काम आए। और भी कुछ पॉइंट्स हैं देखते हैं, जैसे कोई फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन्स हो गए, ट्रैवलिंग, टूरिंग, ये हम अभी बिल्कुल डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, तो अभी आप ऊपर ऊपर से रीड कर सकते हैं। फ्री फूड, नॉन अल्कोहलिक ब्रिवेजेस और रिफ्रेशमेंट फैसिलिटीज़, कुछ फैसिलिटीज़ हो गई ना, जैसे ब्रेकफास्ट दे दिया, तो ये वाली फैसिलिटीज़ भी टैक्सेबल होती हैं। कोई भी गिफ्ट हो गया, वाउचर हो गया, टोकन हो गया, ये रूल भी आपको ध्यान में रखने होंगे। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, क्लब एक्सपेंडिचर, कुछ ऐसे ही फ्रिंज बेनिफिट्स हैं जो कि बहुत डेली लाइफ, डेली यूज़ के आपको दिख रहे होंगे, बिल्कुल डेली हमें मिलते हैं, एक एम्प्लॉई को मिलते हैं एज अ वर्कर, तो यहाँ पर वो भी उसकी सैलरी में एज अ परक्विजिट माने जाते हैं और टैक्सेबल होते हैं। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं जब हम बात करते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ की। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ वही टैक्सेबल होता है? मोटर कार, अगर उनको कोई फैसिलिटी मिल रही है मोटर कार की, अगर कोई फैसिलिटी मिल रही है डोमेस्टिक सर्वेंट्स की, अगर कोई फैसिलिटी मिल रही है फ्री गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर की, तो उनके हेड में टैक्सेबल हैं ये सारी चीज़ें। अगर कोई एजुकेशन फैसिलिटी मिल रही है एम्प्लॉय के बच्चों को, और ये भी ध्यान रखिएगा कि हो सकता है वो एम्प्लॉयर का ही स्कूल हो सकता है कि वो कोई अदर स्कूल हो, तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पर ध्यान देनी होगी। देन रीजनल पर्सनल और प्राइवेट जर्नी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट,
द वैल्यू ऑफ एनी अदर बेनिफिट्स एमेंटिटी सर्विस, कोई भी ऐसी सर्विस दी जा रही है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को और वो एम्प्लॉय हमारा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, तो वो वाली सर्विसेज, ये कुछ परक्विजिट इम्पॉर्टेंट परक्विजिट हैं। ये आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ये सारे स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के केस में टैक्सेबल होंगे। और यस, इसका सेक्शन आई वुड से परक्विजिट का ही सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 सब सेक्शन 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये याद रखिएगा। और कुछ ऐसे ही टैक्स फ्री परक्विजिट जो कि सारे ही एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्स फ्री हैं, तो हमने टैक्सेबल पढ़े, अब हम टैक्स फ्री देख रहे हैं कि कौन कौन से टैक्सेबल नहीं है। नाउ टैक्स फ्री कौन कौन से हैं? मेडिकल फैसिलिटी, फैसिलिटी ऑफ रिफ्रेशमेंट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन, यूज़ ऑफ लैपटॉप, अगर एम्प्लॉयर का कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं आप तो वो टैक्स फ्री परक्विजिट होता है। परक्विजिट प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया, टेलीफोन, रिफ्रेशर कोर्स, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग और रिफ्रेशर कोर्स होते हैं ये किस लिए होते हैं? ये एम्प्लॉय के स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए होते हैं, तो फिर एम्प्लॉय क्यों उसको टैक्स देगा उस पर, तो वो ये सारे ही टैक्स फ्री परक्विजिट में आते हैं।